झारखंड की राजधानी रांची के नामकुम इलाके के विकास पदाधिकारी ज्ञान रंजक पर रिश्वत लेने का आरोप लगा है। दरअसल नामकुम बीडीओ पर एक ट्रांसपोर्टर्स ठेकेदार संजीव कुमार यादव से 5 लाख रुपए रिश्वत लेने का मामला सामने आया है। इस बात का खुलासा जिला आपूर्ति कार्यालय की जांच में हुआ है। इस संबंध में ट्रांसपोर्टर्स द्वारा लिखित शिकायत और अवैध रुपए के लेन देन का वीडियो क्लिप भी जिला आपूर्ति को उपलब्ध कराया गया था। बता दें कि इन गंभीर आरोपों के मामले में खाद्य आपूर्ति कार्यालय द्वारा एक टीम भी गठित की गई थी। टीम की 5 के दौरान 12 लोगों का बयान दिया गया था। साथ ही पीड़ित पक्ष के द्वारा दिए गए साक्ष्यों के आधार पर वीडियो को दोषी पाया गया, जहां जिला खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी ने जांच रिपोर्ट रांची उपायुक्त को सौंप दी गई है। साथ ही इस मामले में कानून विभाग से उपायुक्त द्वारा कार्रवाई की अनुशंसा भी की गई है। जानकारी देते चले कि ट्रांसपोर्ट संवेदक संजीव कुमार यादव द्वारा 26 मार्च को जिला आपूर्ति कार्यालय को लिखित शिकायत दी गई थी। इस मामले में बताया गया कि विकास पदाधिकारी द्वारा पैसे की मांग की जा रही है और नहीं देने पर प्रताड़ित किया जा रहा है। अब देखना होगा कि मामले में क्या कार्रवाई होती है।